मार्कोस कमांडो के डर से जहाज छोड़कर भाग गए हैं समुद्री लुटेरे। छह क्रू मेंबर समेत 15 भारतीयों का सफल रेस्क्यू किया है भारतीय नौसेना ने। एक गूंज होती है, गूंज से मुराद ये है कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है जब किसी का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं जा रहा हो। बहुत बड़ा चैलेंज जिसे भारतीय नौसेना ने मार्कोस कमांडोस के जरिए सफलता से पूरा किया है। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब, वो कह चुके हैं हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। आज यूएसए ने भी मदद मांगी इंडिया से, कहा कि भाई यमन के अंदर से जो फायर हो रहे हैं, जो कश्तियों के अंदर यमन फायर कर रहा है, उसमें आपकी हमारी हेल्प चाहिए, इंडिया की हेल्प चाहिए हमें। ये चीजें, इंडिया इज अ टफ कंट्री, इट्स नॉट ईजी कि आप उनके साथ इंगेज करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। इंडिया की आपको पता है एक बहुत बड़ी नेवी है। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सारे के सारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहते हैं। यूएई ने अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। समंदर में मार्कोस कमांडो का बड़ा एक्शन देखने को मिला, कैसे सोमालिया के तट पर भारतीय नौसेना का पराक्रम देखने को मिला। अच्छा, जो कमांडोज उतरेंगे, जो जिनको काम दिए गए, उनका नाम है मार्कोस। ये पावर प्रोजेक्शन है। पावर प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप दुश्मन मुल्कों को और दोस्त मुल्कों को दोनों को ये बताते हैं कि ये हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हम ये कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी फ्री में उछल रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न को आपने देखा है, वो नहीं रेडी में, वो उसके बड़े से कढ़ाई के अंदर रेत डाल के फिर वो कॉर्न डालता है, वो पॉपकॉर्न बन के उछलता हवा में। ये पाकिस्तानी उछल रहे हैं। पाकिस्तान के पास ढंग की चार फिशिंग बोट नहीं है यार, ये क्यों उछल रहे हैं कि हमारे खिलाफ, हमें पाकिस्तान के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। मोदी को चुनाव जीतने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लगाने की जरूरत नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ठीक है, कभी मक्खी को हथौड़े से नहीं मारा जाता। अगर दिखाना ही है पब्लिक को, सो मलाका स्ट्रेट में जाके ऐसे खड़े होंगे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो होगा शो। मलाका स्ट्रेट में जाके खड़े हो गए विक्रमादित्य और विक्रांत, पूरा कैरियर ग्रुप खड़ा हो गया वहां पे, दैट विल बी अ शो। ये तो इसका मामला अलग है, दिस इज स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, जो भारत दुनिया को दिखा रहा है, अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई खतरा होगा, भारत वहां पे है। ये पोजीशनिंग है, ये बोला नहीं जाता, ये करके दिखाया जाता है। और पूरी दुनिया की नजर हमारे दो कैरियर बैटल ग्रुप्स पे है कि ये भारत की कैपेबिलिटी है, भारत ने वहां पे लगा के, देखिए हाथ कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, भारत ने वहां पे खड़ा कर दिया। अब बताओ, चीन चुप है, पाकिस्तान में जीरो पे आउट है पाकिस्तान, और तीनों तीन चीजों पे फेल है, कर ही नहीं सकता चाइना की मदद के बिना। अगर कर सकता तो चाइना की मदद के बिना पहले से ग्वादर खुद अपने पैसे से बना लेता। ना पैसा है, ना दिमाग है, ना कैपेबिलिटी है, तीनों में पाकिस्तान जीरो पे आउट, डक। दुनिया में कुछ ही मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की नेवी यहां पे लैक करती है, इंडिया की नेवी यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। हर मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है, और दुनिया में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें यूएसए है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें स्पेन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें रशिया है, चाइना है। तो तकरीबन 9 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब मसला यहां पे बड़ा अजीब है, आपको ये बात समझिएगा, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। मसला ये है कि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, और इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। अब चूंकि पाकिस्तान को इंडिया का मुकाबला करना है, और पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये बड़ा महंगा बनता है। अगर पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है तो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको तकरीबन $6.5 बिलियन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगेंगे, और उसके ऊपर जो जहाज आते हैं तकरीबन $2.5 बिलियन आप इसके भी लगा लें, तो $8-9 बिलियन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में लग जाते हैं। और पाकिस्तान का पूरा जो टोटल बजट है एक साल का दिफा का, वो है $11 बिलियन। तो पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन समंदर में अब इंडिया जैसे एक अजीब दुश्मन का आपको खतरा मौजूद रहता है हर वक्त, जो कि पाकिस्तान को हमेशा
एक पूरा नया रोल प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हम देख रहे हैं, जहां पे पूरा स्पेस वॉर और डिफेंस का एक पूरा कैपेबिलिटी तैयार होगा जो बाकी किसी कंट्रीज के पास नहीं होगा। मतलब अगले 10 साल में आप देख पाओगे कि और आप जानते हैं कि हमने ASAT वेपन भी वेपन से सैटेलाइट तोड़ने वाला भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है ऑर्बिट में। तो दिस कैपेसिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर, और हम चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के सारे देश, चाहे वो भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये सब के सब जो है इनकी नेट सिक्योरिटी हम इंश्योर करें, सही हो गया, ताकि वो देखें वो फिर फोकस कर पाएंगे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो एक अगर आपको एक भारत का लीडरशिप मिलता है रीजन में, तो आप कितना सारा आपका पर्सनल डिफेंस स्पेंडिंग और वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर से आप बच सकते हो। ऐसे ही है। अच्छा सर, जहाँ एक तरफ भारत जो है वो डेवलपमेंट की जानब जा रहे हैं, तो आपके डॉक्टर एसजे शंकर जो हैं वो किताबें लिख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, आप क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान की दोनों जानब, क्या थॉट्स हैं आपकी? देखिए ये बुक जो है हमारे जो जयशंकर जी जो हैं उन्होंने अभी रिलीज करी है, तो इट्स गोइंग टू बी अवेलेबल फ्रॉम टुडे। लेकिन जो मैंने इंडेक्स पढ़ा है और कंटेंट के बारे में जो उनका इंटरव्यू हुआ उसमें जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि पाकिस्तान का मेंशन ही नहीं है, व्हाई दैट इज सो, बिकॉज दिस बुक इज अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रीजन फॉर द कमिंग 2-3 डिकेड्स, और उसमें पाकिस्तान का कोई मेंशन नहीं है। सो एक बात हमें समझनी है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, आपने देखा कि 1965 के बाद पूरा डीरेलमेंट हो चुका है 1965 से, उससे पहले तो कुछ भी ठीक था थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद तो पूरा डीरेलमेंट हो चुका है गवर्नेंस का, स्ट्रक्चर का, और अभी तो देख के भी आपको अचंबा होता है कि फॉरेन मिनिस्टर को घसीट के लेके जाते हैं। आई डोंट नो, मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर कभी कश्मीर की बात करते थे, उनके खुद के अपॉइंटमेंट और उनका खुद का पीरियड कितना रहेगा वो भी नोबडी कैन एंश्योर।